धनबाद के झारिया कोलांचल में 7-8 महीनों से लोगों को पानी की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। पानी की आपूर्ति कभी कभी आती है, कभी कभी तो 2-3 दिनों तक भी लोगों को पानी नहीं मिल पाता। इतना ही नहीं, पानी के लिए उन्हें घंटों घंटों मशक्कत करनी पड़ती है, उसके बावजूद भी कई लोगों को पानी नहीं मिलता है, जिसके चलते लोगों में अब गुस्सा बढ़ गया है, जनप्रतिनिधियों के प्रति आक्रोश बढ़ता जा रहा है। झारिया के केला पट्टी और फल पट्टी के लोग आगामी चुनाव में अपनी परेशानियों को लेकर वोट का बहिष्कार करने के बारे में सोच रहे हैं, जिसके तहत एक बैठक की गई और इसमें निर्णय लिया गया कि अगर सरकार और स्थानीय प्रतिनिधि उनकी समस्या की ओर ध्यान नहीं देते हैं तो वे वोट नहीं देंगे, क्योंकि जब नेताओं को इनकी समस्या से मतलब नहीं है तो वोट देने का क्या फायदा है। इसी के चलते निर्णय लिया गया कि अगर उनकी समस्या नहीं सुनी गई तो वे भी वोट नहीं देंगे। अब नेताओं का फर्ज बनता है, राजनेताओं का फर्ज बनता है कि स्थानीय लोगों के पास जाएं, उनकी समस्या की ओर ध्यान दें, अपनी समस्या से बाहर निकले, जिसके चलते जनता उन्हें वोट देती हो। ऐसा ना हो कि एक दिन वो आ जाए कि सारे वोट नोटा को जाएं। लोकतंत्र का जो अधिकार है मत देने का, जिससे कि हम अपना जनप्रतिनिधि चुनते हैं, जिससे सरकारें चलती हैं, आज उसके प्रति भी लोगों का जो है इसके प्रति उदासीनता है, लोगों में आक्रोश है। कारण विगत 7 महीने से हम लोग जल संकट से जूझ रहे हैं, त्राहिमाम कर रहे हैं, बावजूद यहाँ का जिला प्रशासन, जनप्रतिनिधि, सरकार जो है कान में तेल डालकर सोई हुई है। आखिर ये लोगों को हम लोगों ने चुन करके भेजा है हमारी सुख दुख, हमारी मूलभूत सुविधाओं का जो है समाधान करने के लिए ना। आज 6 महीने से हम लोग 7 महीने से पानी के लिए जूझ रहे हैं और ये लोग जो है सिर्फ टेंडर का प्रक्रिया कर रहा है, कभी मोटर खरीदारी की बात करते हैं। अरे जिले में जो है आपातकालीन फंड होता है, ऐसी परिस्थितियां में जो है टेंडर और प्रक्रिया से ना गुजर के उसको तुरंत में इसकी समाधान करनी चाहिए, क्योंकि सुबह उठने के बाद हमें पानी की आवश्यकता होती है, रात में सोने से पहले हमें पानी की आवश्यकता होती है। ऐसी परिस्थिति में ये लोग हमारे साथ ऐसा मजाक बना रहे हैं, झरियावासियों के साथ अन्याय कर रहे हैं, लोगों में आक्रोश फूटा है, महिलाओं भी काफ़ी आक्रोशित है, महिलाओं में भी आक्रोश है, लोगों ने कहा है कि हम वोट नहीं देंगे, चूँकि लोगों ने ये भी कहा है कि जिस प्रकार हम पानी के लिए तरस रहे हैं हम आपको वोट के लिए तरसाएंगे। इस बार हमें लगता है कि जो हमारा भारत का संविधान हमें नोटा का जो अधिकार दिया है, नोटा का प्रतिशत जो है इस बार झरिया में बढ़ेगा। आगे का रणनीति क्या रहेगा? आगे का रणनीति हम लोग जो अल्टीमेटम दे रहे हैं 72 घंटे का, अगर जल में सुधार नहीं किया तो लड़ाई को और तेज किया जाएगा, उग्र किया जाएगा। अब की चुनाव में जनता जवाब देगी, जनता निश्चित रूप से वैसे लोगों को जवाब देगी, जो हमारे साथ खिलवाड़ कर रही है, हमारे साथ अन्याय कर रही है, वैसे लोगों को जवाब जरूर देगी यहाँ की जनता। पूरा परिचय दे दीजिए। धनबाद से ये थी मोहम्मद इकराम की रिपोर्ट।